बिना आलू के तरकारी न बनेला, बिना आलू के तरकारी न बनेला। आ भोजपुरी में ऐसा एगो शेर बा कि बिना खेसारी के बिना भोजपुरी न बढ़ी आगे। समझ में आया? वो देखिए पीछे से कह रहे हैं क्या, तो वो देखिए खेसारी, इसलिए हम इंसानियत उस पर कह रहे हैं उनको लोग। देखिए क्या अभी भी पीछे से वो बोल रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए कि देखिए उसके पास एक बेटा, एक बेटा एक बेटी है, है ना, फिर भी वो 465 बच्चे को गोद लिए हुआ है, खेसारी लिए हुआ है ना। अगर आप स्टार हैं, पवन सिंह कहता है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, अगर आप उतने बड़े स्टार हैं तो आप एक लड़की का इज्जत सरियाम लीलाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा बड़ा स्टार हैं तो फिर आप क्यों नहीं इज्जत रख रहे हैं? आप क्यों नहीं रख रहे हैं? एक लड़की गलत हो गई, दो हो गई, यानी कि सभी आपके नज़र में गलत हो गई। आप हमको ये चीज़ का जवाब दीजिए। अगर आपके अंदर इंसानियत रहता तो क्यों बाप मर गया, बच्चे रटते रटते आप एक वंश नहीं दे पाए? माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी है, वो भी रट रही है, वो भी हो सकती है कि रटते रटते वो भी चली जाएगी, तो फिर ये किसके ऊपर रहेगा? पवन सिंह, जब जो इंसान अपने फैमिली को नहीं देख सकता है, अपने फैमिली को नहीं चला सकता है, वो इंसान वो अपने घर के लिए स्टार है, हम लोग के लिए नहीं। तो आखिर उनको प्यार कौन दे रहा है? इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सबके दिलों पर छाते हैं। देखिए प्यार कौन देता है? कौन दे रहा है? खेसारी को, खेसारी से ज़्यादा लोग उसको प्यार नहीं करता है, क्योंकि खेसारी को देखने के लिए लोग टावर पर चढ़ जाते हैं। उसके अंदर एक इंसानियत है कि अपने फैमिली को, लाख वो कुछ भी रहे, वो पर्दे के अंदर है ना, बाहर तो नहीं आ रहा है ना, पब्लिक के नज़र में तो नहीं है ना कि चलो भाई खेसारी अपने बीवी को छोड़ के दूसरी कर लिया, ये तो पब्लिक के नज़र में नहीं है ना। कम से कम अपने बीवी बाल बच्चा के साथ है तो खुश तो है ना, माँ बाप का इज्जत तो कर रहा है ना, गरीबों का इज्जत तो कर रहा है। जिसके बाप नहीं है उसके बच्चा को जाके गोद तो लिए हुआ है, सबसे बड़ा तो ये उसके अंदर इंसानियत है। साफ तौर पर किसको सही मानता है आप, पवन सिंह या अक्षरा सिंह? पवन सिंह गलत है। पवन सिंह गलत? हाँ, कैसे गलत है? बिल्कुल आप खुद सोचिए ना कि मतलब वो शादी नहीं की, अभी शादी किए हैं, उसके बाद तलाक का जो मैटर चल रहा है, एक पत्नी उनकी डेथ कर गई, उसके बाद इस सब मैटर को आप देख कर कह रहे हैं कि वो सही नहीं है? कल का अगर शादी हो जाता, शादी मतलब उनका अभी तक चलते रहता, बच्चा होता, तो कहने की वो सही रहते हैं? मर्द किसको बोला जाता है पता है आपको? किसको बोला जाता है आप बताइए? मर्द मर्द होता है, महिला महिला होती है, महिला का सम्मान करता है, उसको मर्द कहा जाता है ना। है जो जिसके अंदर कहेगा कि मेरे अंदर बहुत पावर है, जो महिला का इज्जत करता है, जो पिता को एक वंश देता, वो होता मर्द। इसको आप मर्द बोल सकते हैं? जो एक नारी का इज्जत नहीं करता है वो का देश चलाएगा? आप, मैं भी सुन रही हूँ कि कहाँ दोस्तों उसको ये टिकट मिल रहा है, तो जो इंसान आड़ा से, हाँ जो इंसान नारी बोलता है कि हाँ, 9 महीने में हम तोड़ करवा देंगे, वो कैसे मर्द है? महिलाओं का इज्जत कर रहे हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। हाँ, पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए वो अगर वो जी अभी वो हीरो है तो किसी महिला का इज्जत नहीं कर रहा है, क्योंकि जनता का वो वैल्यू नहीं कर रहा है, गरीबों में कुछ नहीं कर रहा है। क्या आगे चल के स्टार बने, वो बड़ा नेता बन जाएगा तो कर सकता है? आपको लगता है? क्या लगता है कि आरा के जो लोग हैं वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं आरा के, एक बार मैं इंटरव्यू दे रही थी वो पट्टी, तो आरा का ही 2-3 लोग था, उसने बोला कि पवन सिंह बहुत बेकार है, आप उन्नीज उठा के देख सकते हैं। जब उसके जिला का ही 2-3 आदमी बोल चुका है, तो किस, आप किस अंग से देख रहे हैं उसको? मोदी जी या चाहे नीतीश जी क्या बोले हैं? चलिए हम नीति चाचा ने एक लफ्ज गलत बोल दिए, ठीक है, चलिए उसको तो हम हटा रहे हैं, लेकिन मोदी चाचा चाहे नीतीश चाचा बोले हैं कि नारी का इज्जत करो, आपको किधर से दिख रहा है कि वो नारी का इज्जत कर रहा है? जिस इंसान एक नारी का इज्जत नहीं कर रहा, अपने बीवी के बारे में बोला है कि वो उसको यहाँ पर ऐसा जगह पर बोला है कि गोली का निशान है, चलिए वो ज्योतिषी ने एक्सेप्ट की है, ये चीज़ों को ज्योतिषी ने एक्सेप्ट की है। आप हमको ये बताइए, ज्योतिषी ने बोली है कि आपके अंदर इतना बड़ा बीमारी है उसके अंदर, भाई इतना बीमारी है, वही तो नहीं पता है मुझे कि कौन सा बीमारी है, आप नीज उठा के देख सकते हैं ज्योतिषी ने क्या बयान दी है। तो ज्योति सिंह तो ये भी बोलती है कि अभी भी उनके लिए मेरा प्यार है, वो गाना सुनती है। बिल्कुल है, देखिए एक मिनट, एक औरत नहीं कभी चाहती है कि मैं अपने पति का बर्बाद करूं, अपने पति को बर्बाद करूं। औरत जो चलिए तहीन रहेगी ना वही चाहेगी, जिसको 10 जगह मुंह मारने का आदत रहेगा ना वो चाहेगी, लेकिन सभी औरत ऐसा नहीं चाहेगी कि मैं अपने पति का इज्जत ले लूं, चाहे मैं अपने पति को सरियाम बदनाम करूं, औरत ऐसा नहीं चाहती है। ज्योति सिंह अभी भी रहने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ है कि देखिए पवन जी को है कि मन भर चुका है,
मन भर चुका है, इसीलिए उसको खराब बदनाम करके छोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ सोना जी थे और जिस तरह से अक्षरा सिंह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात सुनिए, ये चाचा हैं, ये चाचा क्या बोल रहे थे मेरे बारे में, इनसे जरा एक सवाल आप पूछ सकते हैं। पूछिए क्या बोल रहे हैं चाचा, बताइए। मैं कहना चाहता हूं मीडिया का माध्यम से कि इनको फिर इलेक्शन में कोई पार्टी टिकट देके लड़वा देना चाहिए, अच्छा बैंक वोट इनका है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई पार्टी हो, आरजेडी हो, चिराग पासवान हो, या बीजेपी हो, ये तीनों में कोई चुनना चाहिए इनको। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे साथ सोना जी थे और जिस तरह से अक्षरा सिंह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था उस पर हमने बातचीत किया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अक्षरा सिंह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इधर पवन सिंह भी स्टेज पर जाकर उनके पिता पर तंज कसते दिख रहे हैं। इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ सोना सिंह है, कैसे देखते हैं ये बयान जो है, कहीं ना कहीं ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार ये विवाद बढ़ते जा रहा है। नमस्ते प्रणाम, और कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ। विवाद को कैसे देखते हैं, लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, कभी पवन सिंह स्टेज पे जाकर कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसा सब कोई जानता है। हमको लगता है ना कि ये सब DRP पाने के चक्कर में, व्यूज पाने के चक्कर में है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया देखती हूँ कि कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। तो आप ये नज़र से देखिए कि अक्षरा सिंह कई यूट्यूबरों पर और चाहे कई भाइयों पर केस की है, तो मेरे अंदाज़ से वो एक तरह से सही की है। सही कैसे की है? बिल्कुल राइट, सही की है, इसलिए कि एक जो अन्नू चौधरी है, आप उसका वीडियो उठा के आप देख लीजिए, और कुछ न्यूज में वो बोली थी कि अक्षरा सिंह ऐसी है वैसी है। पहले मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की के विरोध में मैं कैसे गलत बोल सकती हूँ? मैं खुद तो अभी एक लड़की हूँ, अब मैं एक लड़की को कैसे गंदा बोल सकती हूँ? और गंदा तो दूर की रह गई, प्लस वो एक मॉडल है, उसको पूरी भारत जानता है, अक्षरा सिंह को पूरी भारत जानता है। और रह गई इस पर कि उसने जो ये बात वो बोली थी कि अक्षरा सिंह ने बहुत मतलब कि खराब खराब आवाज बोली थी, मैं भी वो न्यूज देखी तो मुझे भी गुस्सा आया था न्यूज देखने से ही कि अनु चौधरी को मैं क्या बोलूं। और उसके बाद मैं उसका न्यूज देख रही हूँ तो बिल्कुल बदल के बोल रही है, बिल्कुल बदल गई है। तो ये अक्षरा सिंह जो की है बिल्कुल सही की है कि ऐसे ऐसे इंसानों पर केस की है तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तो पवन सिंह जब स्टेज पर जाकर इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके पिता पर तंज कस रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह के ये हैं वो हैं, उनके मुझ पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, इसको कैसे? तो एक बात बताएं, अगर जो इंसान जो अपने बाप का कदर नहीं कर सकता है, वो तो अक्षरा सिंह के पिता जो पिता है तो उसका क्या हुआ? एक तरह से देखिए तो बाप ही समान है ना, बड़ बुजुर्ग क्या होता है, पिता समान रहता है ना। तो अक्षरा सिंह को ये जो लवज बोला अक्षरा सिंह के पिता को, तो क्या वो अपने बाप को छोड़ा, अपने चाचा को छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो अच्छा देखिए पवन सिंह ऐसा है, वो तो जानता है विरोध कर रहा है, हम तो उसको सामने कैसे वैसा है, कैसा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? पवन सिंह बहुत बेकार आदमी है। कैसे बेकार है? इतना सारा प्यार देता है लोग बिहार यूपी झारखंड सब जगह के, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी के सबसे सुपर स्टार है, उनका गाना कहीं ना कहीं विदेशों में भी बजता है, तो कैसे आप एक गाना देखे हैं? एक मैं बात बोलती हूँ कि